Hello friends and welcome to Adda 247. My name is Saurabh Day and you are watching English classes for SBI PO and SBI Clerk 2019, my dear friends. तो बच्चों आज एक बार फिर से बारी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर के चैप्टर का जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं वीक भी होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आती है. तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग यहाँ देखने वाले 15 सवाल और ये सभी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको. एक पर्टिकुलर चैप्टर से हैं तो आप बहुत कुछ सीखोगे भी रूल्स के रिगार्डिंग भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी. तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, लेट अस हैव द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ ओवर हियर. Okay, so once we were lived by the mountains, but now we have settled ourselves in Mumbai. तो वैसे we have गलती से दो बार आ गया है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं. वैसे बताइए बच्चों यहाँ पर जो गलती है वो कहाँ पर है. टाइमर स्टार्ट किया जाए बच्चों के लिए. Hurry up guys, 15 seconds left now, hurry up. Only 3 seconds left now guys, come on. Well, the time is up my dear friends. Dekho, so once we were lived by the mountains, but now we have settled ourselves in Mumbai. See, actually mein dekha jaye, ek zamane mein hum mountains mein reh rahe the. So basically, पास्ट में प्रोग्रेस की बात है. वी टॉक अबाउट पास्ट प्रोग्रेस, यू नो. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए पार्ट ए में, इट शुड बी वंस वी वर लिविंग बाय द माउंटेन, राइट. तो मतलब जो एरर है बच्चों वो वन के पार्ट ए में है, राइट. तो मतलब जो पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर वन का, दैट हैज द एरर. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर टू नाउ. ही इज रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल पर्सन लाइक यू हैज लेन टू हिम. तो बताइए बच्चों इसमें जो गलती है वो कहाँ है और क्या है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So hurry up and answer guys, come on. Last 10 seconds guys, come on. Well, the time is up, guys. देखिए जो समय है वो खत्म हो चुका है अब. So he is really very sorry to learn that a reasonable person like you has lain to him. तो बच्चों देखो जहाँ झूठ बोलने की बात करते हैं तो क्या वहाँ पर lain लगाते हैं. Do we use lain when it's about lying? No, then we don't do that. तो यहाँ क्या हो जाएगा, It should be has lied to him, है ना. It's going to be has lied to him. तो मतलब बच्चों टू का जो पार्ट डी है उसमें एरर है, ये हो जाएगा हैज लाइड टू हिम. ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर थ्री क्या. लेट्स गो ओवर देयर. ओके, आई वाज ट्रेम्बलिंग विद एंगर व्हेन प्रज्ञा ड्राउंड ऑल माय बुक्स एंड आर्टिकल्स. बताइए बच्चों इसमें जो एरर है वो कहां है और क्या है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो हरी अप एंड आंसर गाइस, कम ऑन. Fifteen seconds left, guys. Hurry up. Last 5 seconds. Come on. Well, the time is up, guys. So I was trembling with anger when Pragya drowned all my books and articles. देखो बच्चों जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर बुक्स है, जो किताब है बच्चों, वो नॉन लिविंग होती है, राइट. तो जो चीज़ें नॉन लिविंग है क्या उसके लिए हम ड्राउन यूज़ करेंगे. नो, वी डोंट यूज़ ड्राउन फॉर नॉन लिविंग. रादर फॉर नॉन लिविंग वी यूज़ सिंक, सैंक, संक, राइट. तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी व्हेन प्रज्ञा सैंक ऑल माय बुक्स. मतलब बच्चों जो एरर है वो थर्ड के पार्ट बी में. सो द एरर इज इन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर फोर क्या, इसको देखते हैं बच्चों. सो रामोन डज नथिंग
but to find faults in others and laugh at them. So tell me guys, इसमें जो गलती है, जो जवाब है, वो कहाँ है और क्या है? Time starts now. So hurry up and answer guys. Come on. Ten seconds, guys. Come on. Last 3 seconds, guys. Hurry up. Okay, the time is up. So, Ramon does nothing but to find faults in others and laugh at them. Well, bacho, ye jo hai, kafi interesting sawal hai. Does nothing but फाइंड फॉल्ट. देखो बच्चों, जब बट की हम बात करते हैं तो उसके बाद ना वी यूज बेयर इन्फिनिटिव. बट के बाद बच्चों हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, ना कि टू फाइंड फॉल्ट. ओके, सो इसलिए देखा जाए यहां पर जो एरर है वो पार्ट बी में है, बट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स. फोर्थ के बी में बच्चों यहां पर एरर है. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर 5. सो द न्यूज ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन शिमला वुड गो बिलो -10 degrees. नो एरर. टेल मी गाइज, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? टेल मी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अपना आंसर गाइज. Fifteen seconds left, guys. Hurry up. Well, the time is up, guys. So the news broadcasted last night that the temperature in Shimla would go below -10 degrees Celsius. Well, देखो, जब हम ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर ना ब्रॉडकास्टेड नहीं आता है, वहां आता है सिर्फ ब्रॉडकास्ट. तीनों फॉर्म जो होते हैं बेटा, वो ब्रॉडकास्ट ही लगाते हैं हम. ठीक है. अच्छा, वेल बच्चों, आई होप आप लोगों ने शो को लाइक कर दिया होगा. सभी, बहुत सारे लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. बहुत बढ़िया आपको कंटेंट भी मिल रहा है, आई एम श्योर. सो गाइज, मेक श्योर यू लाइक द शो. और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स, लाइक द सेशन एंड राइट लाइक सर. सभी लोग शो को लाइक कर दीजिए और कमेंट लिख दीजिए लाइक सर. चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 6 देखते हैं. द वुड कटर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 8 hours एंड देयर बाय शोड देयर एफिशिएंसी. बताइए इसमें से जवाब क्या है बच्चों? बताइए. कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप. Fifteen seconds left, guys. Hurry up. Come on. Last 5 seconds, guys. Come on. What's the answer here? Okay, guys. So, देखिए समय जो है समाप्त हो चुका है अब. So, the woodcutters fell no fewer than 200 trees within 8 hours, thereby showed their efficiency. Well, guys, देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं आपके बेसिकली काउंटेबल की, तो वहाँ पर हम फ्यू लगाते हैं. जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो वहाँ पर हम लिटिल लगाते हैं, है ना. सो द वुड कटर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 8 hours एंड देयर बाय शोड देयर एफिशिएंसी. वेल देखा जाए बच्चों, तो इसमें कोई गलती ऐसा सच नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम ऐसा बोलेंगे तो गलत होगा. क्यों? बिकॉज देखो, फेल्ड पास्ट टेंस की बात हो रही है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा फेल्ड. द वुड कटर्स फेल्ड. ओके, सो 6 के पार्ट ए में गाइस यहां पर एरर है, 6 के पार्ट ए में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन गाइस, नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द स्टेट हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन. सो टेल मी गाइस, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो हरी अप एंड आंसर गाइस. कम ऑन.
Last 3 seconds, guys. Hurry up. Okay, the time is up. So, most of the rivers in the state have. अब देखो वज़ार से बात है कि basically जो have के साथ है आप third form verb लगाते हो. क्या third form verb overflown है? नहीं, right? तो क्या हो जाएगा? Have overflowed. It's going to be overflowed. मतलब जो error है बच्चों वो seventh के part B में है. Overflowed हो जाएगा यहाँ पर. Okay, next one. Number 8 क्या? Let's see that. So, we advised Mohan to marry his daughter because she had come to marriageable age. Okay. तो बच्चों यहाँ पर देखो, marry his daughter because she had come to marriageable age. काफी interesting सवाल है. I am sure आप लोग जवाब दे पाओगे. Time starts now. So, hurry up and answer, guys. Come on. Well, the time is up, my dear friends. So, we advised, once again, ab mat lagaiye timer, ho chuka hai. So, we advised Mohan to marry his daughter because she had come to marriageable age. Bhai, zahir se baat hai, bachcho. Basically, jo hai, kehne ka point hai, wo ye hai ki aap apni beti ki shaadi kara dijiye, kyunki, kar dijiye, kyunki unki umar ho rakhi hai shaadi ki. To, basically, bachcho, ye ho jayega, marry off his daughter, right? It's going to be marry off his daughter and not marry his daughter. मतलब बच्चों जो error है वो 8th के part B में हो जाएगा. जो गलती है that's in part B of question number 8. चलिए next one देखते हैं, number 9. So the convict will certainly be hung because the charges brought upon him are heinous. तो बताइए बच्चों इसमें क्या गलती हो जाएगी, बताइए. Time starts now. Ten seconds, guys. Come on. What's the answer here? Okay. So the convict will certainly be hung because the charges brought upon him are heinous. Okay. So well, definitely, guys. ये जो जवाब है इसका काफी interesting है. So see. Hung या hanged में difference होता है. यहाँ पर देखा जाए तो we talking about the punishment, right? Hang till death वाली punishment की बात हो रही है. तो ये क्या हो जाएगा? It's going to be the convict will certainly be hanged because charges brought upon him are very heinous. Okay, तो यहाँ part B में रहे बच्चों, ये हो जाएगा certainly be hanged. Okay, now next one number 10 पे चलते हैं. वैसे तो वैसे बच्चों हम लोग देखो 9 सवाल लगा चुके हैं. आई होप आपको लेवल अच्छा लग रहा होगा, जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ये पसंद आ रहा होगा. और अगर ऐसा है गाइस तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज जाहिर सी बात है नए रूल्स नए कंसेप्ट्स अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें. तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और लिख भी दो सब्सक्राइब सर. सो सब्सक्राइब टू 247 एंड राइट डाउन सब्सक्राइब सर. ओके. So she gave this examination thrice, but she always failed because she never took it seriously. तो बताइए बच्चों यहाँ पर आपके हिसाब से इसे जवाब क्या हो जाएगा? Time starts now. So hurry up and answer, guys. Come on. Last 10 seconds, guys, come on. Okay, so she gave this examination thrice. Okay, but she always failed because she never took it seriously. तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो जब आप एग्ज़ाम को देते हो ना, हिंदी में हम बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम देकर आए हैं, बट इन इंग्लिश गाइज यू ऑलवेज टेक एन एग्जामिनेशन. ओके, सो इन इंग्लिश यू ऑलवेज टेक एन एग्जामिनेशन. सो टेंथ का जो पार्ट ए है गाइज दैट हैज़ द एरर. इज गोइंग टू बी शी टुक दिस एग्जामिनेशन थ्राइस. मतलब बच्चों जो एरर है वो टेंथ के पार्ट ए में है. शी टुक दिस एग्जामिनेशन थ्राइस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन गाइज नंबर 11, उस पर देखते हैं नेक्स्ट वन.
So owing to his transfer, he will not be able to give this examination, which means he will have to lose a couple of years. So tell me guys, yahan par jawab kya ho jayega? Time starts now. Hurry up and answer guys, come on. Fifteen seconds left, guys. Come on. What's the answer here? Okay, so owing to his transfer, he will not be able to give this examination, which means he will have to lose a couple of years. Once again, guys, देखो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब एग्ज़ाम की बात होती है तो वहाँ पर आप टेक लगाते हो, तो एक बार फिर से यहाँ पर देखा जाए तो आप वही करोगे एंड दैट विल बी गोइंग टू बी ई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मतलब इलेवेंथ के पाथ सी में रहे, दी आंसर इज इलेवेंथ का पाथ सी. सो नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर ट्वेल्व. Our leaders should not let the illegal activities to increase in our country. तो बताइए guys, बहुत ही interesting सवाल है. I hope you'll be able to answer this. Time starts now. So hurry up and answer guys, come on. Ten seconds left, guys. Hurry up. Time is up, guys. So, अब देखिए यहां पर देखो क्या हो जाएगा. So, our leaders should not let the illegal activities to increase in our country. So, basically देखो क्या है, जो let होता है ना, let के बाद आप वैसे भी लगाते हो bare infinitive, यानी कि जो इन्फिनिटिव लगता है उसमें आप टू नहीं लगाते हो. ठीक है, तो लेट द इलीगल एक्टिविटीज इंक्रीज इन आर कंट्री. तो ट्वेल्थ का सी जो है बच्चों, इसमें एरर है, ये हो जाएगा इंक्रीज इन आर कंट्री. ठीक है, सो दैट्स द आंसर गाइस. नाउ तो वैसे बच्चों देखो, अब जाहिर सी बात है हम लोग 12 सवाल कर चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मुझको ऐसा लगता है कि आपको पीडीएफ चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए. चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए गाइस, ऑल ऑफ यू टेल मी. जिनको भी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस के लिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यस सर वांट द पीडीएफ. यू वांट द पीडीएफ? क्या प्रैक्टिस करना है सबको? तो लिख लो सभी लोग, यस सर वांट द पीडीएफ. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 13 देखते हैं. सो द एमिनेंट पर्सनैलिटी एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द कॉलेज प्रीमिसेस. सो टेल मी गाइस, यहां पर आपके हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो हरी अप आंसर गाइस, कम ऑन. Five seconds, guys. Come on. Okay. So the eminent personality expressed his helplessness in making the seminar to be held. Well, देखो जाहिर सी बात है, आप सेमिनार बनाते नहीं होते हो. You do not make the seminar, है ना? तो क्या हो जाता है? Rather, it's actually organized, right? Seminar जो है वो organize करते हैं, ना कि बनाया जाता है कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस हेल्पलेसनेस इन ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार. मतलब 13 का जो बी है गाइस, उसमें हो जाएगी एरर. तो मैक्सिमम लोग ने लिखा था यस वन द पीडीएफ. कई लोगों को पीडीएफ चाहिए यहाँ पर. तो इसीलिए बच्चों मैं चाहूँगा आप एक काम करें कि आप सभी लोग जो हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए. टू बी एलिजिबल टू गेट द पीडीएफ यू नीड टू शेयर दिस वीडियो गाइज. सो मेक श्योर यू शेयर इट ऑन योर फेसबुक, ऑन योर व्हाट्सएप, ऑन योर टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, मेक श्योर यू शेयर इट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 14 क्या है उसको देखते हैं. सिंस वी वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज वी माइट हैज आस्ट यू टू मैनेज दिस सोशल डेक्यूरम. और सभी लोग वीडियो को शेयर करके लिख भी देना, शेयर्ड सर. ठीक है, चलो तो टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप एंड आंसर गाइज, कम ऑन.
5 seconds guys, hurry up, come on. Okay, so, well, since we were not aware of the consequences, we might has asked you to manage this social decorum. अब देखो जाहिर सी बात है, क्या might के साथ हम लोग has लगाते हैं? Do we use has with might? क्या कभी ऐसा किसी ने करते हुए होते हुए देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, right? तो यहाँ क्या हो जाएगा? Might have asked you and not might has asked you, right? मतलब जो बच्चों जो error है, वो पार्ट सी में हो जाएगा. तो 14th का सी हैज द एरर इज गोइंग टू बी माइट हैव आस्क्ड यू. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर 15. ओके, सो द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक्स टू हिज कॉन्सर्ट्स टू हियर हिम टू सिंग एज इट परसीव्स अ सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिक्वेंसी इन हिज म्यूजिक दैट इज हार्ड टू कम बाय टुडे. सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एंड आंसर, कम ऑन. Ten seconds, guys, come on. Well, the time is up. So, guys, anyway, the audience still flocks to his concerts to hear him to sing as it perceives a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. Okay, well, देखो बात क्या है यहाँ पर. जो हेयर होता है ना बच्चों, हेयर के बाद आप लगाते हो बेयर इन्फिनिटिव, दैट इज आफ्टर हेयर. जब आप इन्फिनिटिव का यूज करोगे तो उसमें बच्चों टी ओ टू नहीं लगता है. ओके, तो जब भी इन्फिनिटिव में टी ओ टू नहीं आए उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव. और इसीलिए बच्चों जो एरर है वो क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट बी में है. ठीक है, चलिए जरा हमको समझ दिखा दीजिए. सो गाइज, आई होप यू हैड फन. सभी को 15 सवाल बहुत बढ़िया से अच्छे लगे होंगे, सबने शो को लाइक भी किया होगा उम्मीद करता हूँ, शेयर भी किया होगा. तो बच्चों अब जो है देखा जाए तो हम खत्म करते हैं आज के सेशन को. और हाँ, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो सभी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय सौरभ सर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड हाँ, उसको ज्वाइन करके जो पिंड कमेंट है उसको आप चेक करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. साथ ही में अपने दोस्तों को भी उसमें ज्वाइन करवा लीजिए ताकि मैक्सिमम लोग तो हमारा जो पीडीएफ है वो पहुंच सके. सो गाइस, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, पीस आउट.